हेलो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है फीनिक्स ऑफ द नाइन हेवन। और इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जो है बहुत घने बादलों को देखते हैं जहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है, और उन सब के बीच हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। और हम जो है हॉस्पिटल के सीन का अंदर का देखते हैं जहाँ पे एक नर्स जो है एक बॉडी को लेकर अंदर आ रही होती है। तभी हम सामने एक बॉय को देखते हैं जो कि अपनी ही बॉडी को देख रहा होता है। इसके बाद हम समझ गए ये इस पर्सन की जो है आत्मा है, सोल है। हाँ, तभी जो है वो याद करते हैं कि जब वो बाहर था तो वो एक बच्चे को बचा रहा था, ट्रक आ रहा था दूर से, तो वो जो है उस बच्चे को बोल रहा था हटो यहाँ से, और जो है ट्रक वाला भी कह रहा था कि मेरे रास्ते से हटो। और वो जो बॉय है एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो जो खुद ही जो है ट्रक से ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो जाती है। और नर्स जो है उसके बगल से उसके मतलब उसकी आत्मा के अंदर से निकल जाती है। और ये देख के जो है बॉय कहता है वो पर्सन कि मैं सच्ची में मर गया हूँ। और अचानक से वो ऐसे खड़ा होता है, तभी अचानक से किसी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। और ये देख के जो है वो पर्सन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी जो है वो पर्सन कहता है कि तुम कौन हो, हाँ तुम आखिर हो कौन, क्या तुम कोई भगवान हो या मेरी तरह कोई एक भूत। हाँ, तभी जो है वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी है ही जो है हम एक सामने जो है एक पर्सन को देखते हैं, और वो कहते हैं नहीं मैं कोई भगवान हूँ, नहीं मैं कोई भूत हूँ, और उसके साथ एक बच्चा भी होता है। तो वो पर्सन जो है वो कहते हैं कि मेरे पास जो है एक स्पेशल पावर है कि मैं तुम्हें जो है एक दूसरी लाइफ दे सकता हूँ। तो ये देख के वो पर्सन जो है खुश हो जाता और कहता है कि हाँ क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है। तो वो पर्सन जो है वो कहता है कि हाँ तुम मुझे सही समय पर मिल दो, और आज जो है खुशी का दिन है, ठीक है, और आज के दिन गेट खुलेगा और मैं जो है तुम्हें दूसरे यूनिवर्स भेज सकता हूँ। हाँ, तुम्हें जो है एक अच्छी खासी जो बॉडी है तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सुन के वो पर्सन कहता है कि मैं दूसरी यूनिवर्स में जाऊँगा। तो वो पर्सन कहता है कि हाँ तुम दूसरे यूनिवर्स में जाओगे, और जो टाइम लाइन है उसका गेट खुलने ही वाला है, तो अभी जो है तो मैं वहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है। वरना वैसे भी अगर तुम्हारी जो सोल है वो इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी से 24 घंटे तक ऐसी बाहर रहेगी, तो तुम धीरे धीरे ऐसे ही जो है गायब हो जाओगे। तो ये सुन के वो जो मैन है वो कहता है कि लग रहा है मैं सच्ची में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे जो है दोबारा जो है लाइफ मिल रही, वरना मुझे तो लगता था कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी जो है वो जो मैन है वो कहता है कि देखो जो है जो पर्सन है दूसरा उसकी वो डेथ जो अभी होने वाली है, और गेट भी अभी जो है ओपन जो है होने वाला है, तो अब जो है तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और वैसे भी तुमने जो है मेरे सन की जो है जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो तुम्हें सोच लो कि क्या तुम्हें दूसरी लाइफ चाहिए कि नहीं। तो इसमें ये वो पर्सन सोच के बोलता है कि इसमें सोचना क्या है। हाँ, तभी जो है वो जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं कि ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो अपनी मैजिक पावर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो वो पर्सन स्पेल करते हुए कहते हैं कि मैं खुद की बॉडी चूज़ कर सकता हूँ कि मैं किस तरी अपने पर्सन से कि मुझे किस बॉडी में जाना है। तो ये है सुन के उस पर्सन का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है, और मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें किस तरीके की बॉडी चाहिए। तो जो मैन है वो कहता है कि मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि जो बॉय हो वो रिच फैमिली से हो, बड़ा बेटा हो, मतलब मेरी सोल को किसी वूमेन की बॉडी में ना डाले, और ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें बताता है। तो वो मैन करता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो ये सुन के वो पर्सन कहता है क्या कोशिश क्या होती है, कन्फर्म बोलो। तो कहते हैं कि कन्फर्म नहीं हो सकता, मैं पर कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। तभी जो है वो कहते हैं कि गेट ओपन हो गया, और ऊपर से कुछ बिजली जो है आकर उस जो सोल है उस पर गिरने लग जाती है। और ये देख के वो मैन थोड़ा सा घबरा जाता है, और जो है धीरे धीरे उस मैन की जो आत्मा है वो गायब होने लग जाती है, और ये चीज़ जो है वो पर्सन देख रहा होता है। गाइस, मैं इन लोगों का नाम इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें अभी तक इन लोगों का नाम बताया नहीं गया है। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम दूसरी यूनिवर्स का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि रॉयल हाइनेस क्रो प्रिंस, योर हाइनेस क्रो प्रिंस, और जो एक सर्वेंट वो कहती है कि जाके जो है रॉयल क्रो प्रिंस को बता दो कि रॉयल हाइनेस एस। तभी जो है हम देखते हैं कि वो जो पर्सन है वो दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया था, और मन में सोचता है ये शोर कैसा है, मैं ही क्रो प्रिंस हूँ ना।
तभी जो है बाहर जो सर्वेंट है वो एक दूसरे को गले लग के रो रही होती है क्योंकि मारे जाएंगे। तभी एक सर्वेंट की नज़र जो है उस पर पड़ती है और वो उस पर्सन के पास आती है क्रोपियंस के पास। वो कहती है डॉक्टर देखो क्रोपियंस जो है जगह प्लीज़ आइए। तभी जो है वो मैन उठ के बैठता है और कहता है कि मैं कहाँ पे आऊँ। तो ये सुन के डॉक्टर कहता है कि रॉयल हाइनेस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी जो है वो जो पर्सन है वो मन में सोचता है कि मुझे इस मैन ने बताया था कि मेरी जो है जो सोल है वो एक ऐसे पर्सन पे बॉडी में जाएगी जिसकी डेथ हो रखी है, तो अगर मैं इनको कुछ भी बताऊँगी ये लोग मुझे पागल समझेंगे। तभी जो है वो पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि मैं आखिर हूँ कहाँ, ये कौन सा स्टेट है। और मन में सोचता है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं किस समय में हूँ, मैं टेंके में हूँ या मिंके में हूँ या चेंके, मतलब कौन से समय में। और वैसे भी मेरे हिसाब से ये जो क्रोपिस हो सकता है मेरे से तो कहीं गुना बेटर ही होगा। हाँ तभी जो वो डॉक्टर है वो कहते हैं कि रॉयल हाइनेस ये जो है एक्सेल जो है स्टेट है। तो ये सुन के जो है वो कहते हैं कि ये स्टेट मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। तभी डॉक्टर और बाकी जो सर्वेंट है उसको थोड़ा घूर घूर के देखने लग जाती है, तो ये देखिए वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और ऑफकोर्स सबका रिएक्शन चेंज ही होगा कि उसे पता नहीं है। तभी जो है फिर वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे पता है, अब तुम लोग जाओ और मुझे जो है अब थोड़ी देर जो है रेस्ट करना है ठीक है। तो ये सुनते जो है वहाँ के सभी लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं यस रॉयल हाइनेस। फिर थोड़े समय बाद कम सीन देखते हैं जहाँ पे जो है रॉयल हाइनेस के सीन पे आप एक पर्सन को देखते जो कि आया होता है और वो कहता है कि ये पर जो है ये मौत के मुझे वापस कैसे आ गया। और कोई बात नहीं अब आ गया ना, अब मैं जो है अब इसे फाइनल किसी चीज़ में ना जहर मिला के दे दूँगा और ताकि जो है हमारे हमेशा की जो है प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। और ये रॉयल हाइनेस जो है वो सुन रहा होता है, सेवन ये देख के जो है देख रही होती है उसे। और जो है जो रॉयल हाइनेस है वो मन में सोचता है कि ये बंदा है कौन है और ये इस तरीके से रॉयल हाइनेस को कैसे बोल सकता है। अगर उसे डर नहीं है कहीं रॉयल हाइनेस से सुन लिया क्रोपिस ने तो उसे क्या सजा होगी। तभी जो सर्वेंट है वो कहती है कि प्रिंस टैंग प्लीज़ आप इस तरीके से मत कीजिए, रॉयल हाइनेस अभी सो रहा है। तो ये सुन के जो है टैंग कहता है कि अच्छा हो कि वो कभी उठे ही ना। और फिर ये बोल के वो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि देखना ये यहाँ से कहीं ना जाए, क्रोप्रिंस को कहता है। तभी जा रहा होता है तभी जो है क्रोप्रिंस उसे रोकता है। तभी टैंक पीछे मुड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, हाँ जब से तुम जो है बच कर आए हो तब से तुम्हारे ज़्यादा नहीं मुँह चल रहे। तो ये सुन के जो प्रिंस कहता है कि हाँ क्रोप्रिंस जो है रॉयल हाइनेस, वो कहता है मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे भी ज़्यादा चल रहे हैं। और वो जो है सर्वेंट से पूछता है जो रॉयल हाइनेस है कि जो भी जो है रॉयल हाइनेस का जो है डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है। तो वो जो सर्वेंट है वो उसको टैंक को देखते हुए घबराते हुए कहती है कि जो भी रॉयल हाइनेस का डिसरिस्पेक्ट करता है उसको मार दिया जाता है। तो ये सुन के जो है रॉयल हाइनेस कहता है ओह ऐसा है। तो जो है सिपाहियों को कहता है कि इसने जो है मेरी डिसरिस्पेक्ट की, ले जाओ इसे मार दो। और ये देख के टैंक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और जो है रॉयल हाइनेस स्माइल करते हुए कहता है कि अगर तुम जो है घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफ़ी मांग लो तो हो सकता है कि तुम्हें जो है इन सब चीज़ों जो भी चीज़ें हो रही है इसको फेस ना करना पड़े। तो ये सुनते जो है टैंक फटाफट से घुटनों के बल बैठ जाता है और माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको इस तरीके से बोला। और सिपाही जो है उसके पीछे सारे खड़े होते हैं। तभी जो ये रॉयल हाइनेस देख के जो है उसे छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है वैसे भी मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ छोड़ जाने दो। और कहता है मैंने कितना काम कर लिया आज और अंगड़ाई ले रहा होता है। और जो है टैंक वापस जा रहा होता है और मन में सोचता है कि ये क्रो प्रिंस है वो भी पेट प्रिंस है और इसकी हिम्मत कैसे इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की, तो मैं जो है तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ हमारे जो एपिसोड है ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।